बहुत हो गया, अब इनको सबक सिखाना ही पड़ेगा। इसका बदला हम लेके ही रहेंगे। अरे ये क्या देख रहे हो भाई लोग? सुनो भाई, ये देखो कल मैं किससे मिल के आया। ओ तेरी, बता क्या बात है यार, ये कैसे हुआ? ये देख ऐसे। अरे ये तो, और सुनो ये जो तुम वीडियो देख रहे हो ना, वो भी किसी ने ऐसे ही मॉडिफाई किया है। किसी भी फोटो और वीडियो को देख के ना बेवकूफों की तरह बहक मत जाना, समझे भाई? डिलीट कर उसे, तू चाय पिला आजा। क्या चाय पिला? सोशल मीडिया से आने वाले हर संदेश को सावधानी से समझे, समझदारी में होती है ताकत। सतर्क जनता, सुरक्षित भारत। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है जो WhatsApp का यूज करते हैं। अपनी आंखें और कान खोल लीजिए और ध्यान से देखिए मैं क्या दिखाने वाला हूं। 2-3 दिन पहले की बात है, गुवाहाटी असम में एक WhatsApp मैसेज बहुत वायरल हुआ। उस WhatsApp मैसेज में चाइल्ड ट्रैफिकिंग के बारे में दिखा रखा था और कुछ लड़कों की फोटो लगा रखी थी, ये कह के ये चाइल्ड ट्रैफिकर्स हैं। तो ये WhatsApp मैसेज इतना वायरल हुआ असम में कि सब लोगों तक गया, और इस WhatsApp मैसेज के बेसिस पे 2 लड़कों को एक भीड़ इकट्ठी हो गई। उन 2 लड़कों को समझने लगी कि ये चाइल्ड ट्रैफिकर है, क्योंकि उन्होंने वो WhatsApp मैसेज पढ़ा था, और उस भीड़ ने इतना मारा पीटा उन लड़कों को कि वो जान से मर गए। देवतार नाम गोपाल चंद्र दास, मार नाम राधिका दास। ये उसी इंसिडेंट का वीडियो है, आप देख सकते हैं। इसमें भीड़ उन लड़कों को मारे जा रही है और वो लड़के हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि हमें मत मारो, हमने कुछ नहीं किया है, हम आसाम के रहने वाले हैं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हम सच बोल रहे हैं। लेकिन भीड़ ने यकीन नहीं किया। ऐसे इंसिडेंट्स को कहते हैं मॉब लिंचिंग। लिंचिंग का मतलब कि एक भीड़ इकट्ठी हो जाए और किसी को जान से मार डाले। और ये सब हुआ एक फेक व्हाट्सएप फॉरवर्ड को लेकर। असली में थोड़ी था वो 2 लड़के चाइल्ड किडनैपर, बस उस भीड़ में लोगों को लगता था कि ये चाइल्ड किडनैपर है, क्योंकि उन्होंने व्हाट्सएप पे वो मैसेज पढ़ लिया था और उसके बेसिस पे उन्हें जान से मार डाला। दोस्तों ये चीज अब लिमिट क्रॉस कर चुकी है हमारे देश में, इतने ज्यादा फेक व्हाट्सएप पे मैसेज फैलाए जा रहे हैं कि अब ये जानलेवा हो चुकी है। पिछले महीने तमिलनाडु में भी एक ऐसी चीज हुई, एक भीड़ ने इकट्ठा होकर एक 65-year-old 60 साल की औरत को मार डाला कि चाइल्ड ट्रैफिकर है ये समझ के उससे। दो 200 से ज्यादा लोग थे इस भीड़ में जो ये मानते थे कि ये औरत एक चाइल्ड ट्रैफिकर है। पिछले साल 2017 में वेस्ट बंगाल में एक ऐसा ही इंसिडेंट हुआ जहां पे एक मेंटली डिसेबल्ड औरत को एक भीड़ ने लिंच कर डाला फिर से यही समझ के कि वो चाइल्ड ट्रैफिकर है। इसी साल फरवरी 2018 में जयपुर में एक बेचारे वर्कर को लोगों ने इतना मारा पीटा वही फेक व्हाट्सएप फॉरवर्ड मैसेजेस पे बिलीव करके कि एक चाइल्ड मोलेस्टर है, और इतना मारा पीटा इसमें। उस वक्त तो मौत नहीं हुई इसकी, लेकिन जब ये हॉस्पिटल गया वहां पे इसकी मौत हो गई। मई 2018 में हैदराबाद में एक ट्रांसजेंडर औरत को भीड़ ने लिंच कर डाला यही चीज समझ के कि वो चाइल्ड ट्रैफिकर है। ये भी चीज वीडियो पे रिकॉर्डेड है। The stones and attacked the police while they tried to rescue the victims. 25 people have been taken into custody by the police. The Hyderabad police has ordered... माफ करना दोस्तों, मुझे आपको वीडियोस दिखाने पड़े, लेकिन मुझे लगा ये बहुत जरूरी है। वो कहते हैं ना, 1 death इज अ ट्रेजेडी बट 1 million डेथ्स आर अ स्टैटिस्टिक। जब तक आप एक मौत को करीबी से देखोगे नहीं, तब तक उसका असर नहीं पहुंचेगा आप पे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, कितना सीरियस इशू है। नहीं तो मैं आपको स्टैटिस्टिक बता देता कि 50 से ज्यादा लिंचिंग हो रही है, तो बस वो एक डेटा और एक स्टैटिस्टिक बन के रह जाता। लेकिन आपको समझना चाहिए कितना सीरियस इशू है। आपको कैसा लगेगा कल को मैं आपका फोटो छाप के व्हाट्सएप पे फैला दूं कि ये देखो एक चाइल्ड मोलेस्टर है, ये देखो चाइल्ड किडनैपर है, और कल को भीड़ आपके घर पे आके आपको आपकी लिंचिंग हो जाए, आपको पीटना कोई शुरू कर दे? ऐसे केसेस बिल्कुल हो सकते हैं, यही चीजें होने लग रही हैं दोस्तों। कल को ये आपके साथ भी हो सकता है, और ये तो मैंने कुछ वीडियोस दिखाए थे आपको। ये केसेस अब बैंगलोर में, नागालैंड में, महाराष्ट्र में, बिहार में, यूपी में, ओडिशा में, पूरे देश भर में फैल चुके हैं केसेस। वही फेक व्हाट्सएप फॉरवर्ड, वही फेक चाइल्ड ट्रैफिकिंग, चाइल्ड किडनैपर के केसेस। एक ये बहुत वीडियो बहुत वायरल हुआ है जिसमें बताया जा रहा है ये देखो एक चाइल्ड किडनैपर है ये।
देखिए जरा आप इसे। ये वीडियो ऐसे कह के दिखाया जा रहा है कि ये देखो सीसीटीवी फुटेज पे हमने कैप्चर कर लिया कि ये चाइल्ड किडनैपर है, लेकिन एक्चुअली में ये वीडियो पाकिस्तान का एक एडवर्टाइजमेंट है जिसमें अवेयरनेस फैलाई जा रही है चाइल्ड किडनैपिंग के बारे में। फेक न्यूज हमारे देश में दोस्तों सारी लिमिट्स क्रॉस कर चुकी है। जो बाकी और टाइप्स की फेक न्यूज होती थी, चलो उनको तो हम फिर भी कह सकते थे कि वो आईटी सेल वाले लोग फैलाते थे, पॉलिटिशियंस को डिफेम करते थे, धर्म के मामले में लोगों के बीच में डिफरेंसेस फैलाते थे, कम्युनल चीजें फैलाते थे, लेकिन ये चाइल्ड किडनैपिंग वाली तो किसी आईटी सेल का हाथ नहीं है इसके पीछे। ये तो आप लोग खुद ही अपने जाल में फंसे जा रहे हो। इतना आसान हो गया आप लोगों को बेवकूफ बनाना कि कोई भी कुछ भी लिख के व्हाट्सएप फॉरवर्ड कर देता है और आप उसे बस आंखें बंद करके उसे दबा दोगे और कहोगे नहीं फॉरवर्डेड एज रिसीव नीचे लिख दोगे। ऐसे नहीं चलने वाला है, लोगों की जान जाने लग रही है इसकी वजह से। पुलिस भी करे तो इस पे क्या करे। अब तेलंगाना के पुलिस में, तेलंगाना में 5 से ज्यादा ऐसे केसेस आ गए थे, तो तेलंगाना की पुलिस ने सोचा वो भी कंट्रोल नहीं कर पा रही है सिर्फ लोगों को बोल बोल के, तो उन्होंने अवेयरनेस फैलाने के लिए गाना निकाल दिया इस पे। बताओ इसमें पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि आप लोग इतनी जल्दी आंखें बंद करके बस फॉरवर्ड 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 करे जा रहे हो व्हाट्सएप पे। कुछ नहीं हो सकता इसका, बस आपको ये फॉरवर्ड करने बंद करने पड़ेंगे। अगली बार कोई भी ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग की, चाइल्ड मोलेस्टिंग की खबर सुनो, व्हाट्सएप पे किसी इंसान की फोटो आए और कहे कि ये आदमी करप्ट है, ये आदमी मोलेस्टर है, रेपिस्ट है, चाइल्ड किडनैपर है, बस फॉरवर्ड नहीं करना है उसे, क्योंकि व्हाट्सएप कोई सोर्स नहीं है न्यूज का। और आपको पहचाननी है कैसे फेक न्यूज पहचान सकते हो व्हाट्सएप पे, तो वो मैंने इस वीडियो में समझाया था। आई बटन पे क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाओगे किस तरह से आप फेक न्यूज में डिफरेंस कर पता लगा सकते हो, कौन सी असली खबर है, कौन सी फेक खबर है। और अगर आप इतना सा भी कष्ट नहीं उठा सकते उस व्हाट्सएप मैसेज को चेक करने का कि वो सच्चा है झूठा है, तो बस कोई जरूरत नहीं है उस व्हाट्सएप मैसेज को फॉरवर्ड करने की, क्योंकि आपके एक फॉरवर्ड की वजह से कल को किसी की जान भी जा सकती है। तो बस मेरे को इतना सही बताना था दोस्तों। इस वीडियो को शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि हर व्हाट्सएप यूजर तक पहुंचे हमारे देश में और उन सबको पता लगे कि ये कितने जानलेवा बनते जा रहे हैं हमारे व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स और ये फेक न्यूज। मिलेंगे हम अगले वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।